नमस्कार, मैं विलास आड़े, डीटी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के सामाजिक संगठन भारतीय बंजारा क्रांति दल ने एक नए पार्टी की स्थापना की है, जिसका नाम है भारतीय बहुजन बंजारा क्रांति दल। इस पार्टी ने कल महाराष्ट्र के मुंबई के आज़ाद मैदान में जोरदार शक्ति प्रदर्शन एवं आंदोलन किया। आरक्षण की मांग को लेकर यह जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन था। पार्टी की स्थापना के बाद में ये अभूतपूर्व और ऐतिहासिक ऐसा शक्ति प्रदर्शन रहा है। देखते हैं डीटी न्यूज इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट। कल महाराष्ट्र के मुंबई में बंजारा समुदाय को एसटी का आरक्षण मिले, इस मुद्दे को लेकर भारतीय बहुजन बंजारा क्रांति दल की ओर से आजाद मैदान में जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन एवं आंदोलन किया गया। महाराष्ट्र में बंजारा समुदाय को विजयंती प्रवर्ग में रखा गया है, किंतु समाज काफी पिछड़ा एवं अल्प शिक्षित होने से उसे एसटी प्रवर्ग में आरक्षण मिलना चाहिए, ये प्रमुख मांग इस पार्टी की थी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र के दूर दराज के इलाकों से भारी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता आजाद मैदान पहुंचे थे, जिसमें परंपरागत पोशाक पहनने वाली बंजारा महिलाओं की संख्या अधिक थी। महाराष्ट्र के राजनीति में इस पार्टी ने जबरदस्त एंट्री की है। 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी पंडितों की अगर माने तो विदर्भ के अकोला, वाशिम, यवतमाल तथा मराठवाड़े के नांदेड़, हिंगोली, परभणी, जालना, लातूर जिले के बंजारा बहुल विधानसभा क्षेत्र में ये पार्टी सत्ताधारी पार्टियों को कड़ा मुकाबला दे सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोरसिंह भाई राठौड़ की अगुवाई में ये आंदोलन सफल हुआ। भवन निर्माता किशन राठौड़, बीडी पवार, महाराष्ट्र के पार्टी प्रवक्ता राजेश भाऊ राठौड़, संतोष आड़े की मंच पर उपस्थिति थी। मुंबई से अर्पण जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीटी न्यूज इंडिया। ये है डीटीवी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं डीडी न्यूज इंडिया।